दोस्तों 32 चेस्ट की शर्ट कटिंग करना बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसका 8 इंच आर्म होल रखा है, यानी कि सीने के चौथे हिस्से पे, यानी कि 1/4 पे। और यहाँ पे देखिए, इसका जो स्लीव कट किया है वो भी सीने के 1/4 पे किया है। तो दोस्तों पूरी जानकारी देंगे, आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 32 चेस्ट की शर्ट कटिंग करना बताएंगे। दोस्तों नॉर्मल फिट शर्ट ना ज्यादा टाइट होगी ना ज्यादा लूज होगी। तो दोस्तों एक एक जानकारी देंगे, एक एक पॉइंट के साथ आपको बताएंगे, बस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये शर्ट का कपड़ा है, फैब्रिक है अपने पास 2.25 मीटर, यानी कि सिंगल अर्ज का 2.25 मीटर। अब दोस्तों इसको कैसे बिछाया जाएगा सब चीजें बताएंगे, इसके बाद में मेजरमेंट और इसकी कटिंग करके प्रॉपर बताएंगे। तो दोस्तों जो कपड़े की सीधी साइड है उसको अंदर करना है। अक्सर ये आपको ये बताते हैं कि कपड़े की सीधी साइड को अंदर किया जाता है कटिंग करने से पहले, ऐसे। दोस्तों अभी यहाँ पे मैंने किनार के साथ किनार को मिलाकर इस कपड़े को ऐसे बिछा लिया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अब आपको मेजरमेंट बताते हैं। दोस्तों दोस्तों इसका 27.5 इंच शर्ट की लेंथ है, 32 इंच सीना है, 30 इंच पेट है, 33 इंच हिप है, 17 इंच का तीरा है और 24 इंच की बाजू है, और दोस्तों 14.5 इंच का कॉलर है। तो अब दोस्तों इस पे कटिंग करेंगे। दोस्तों आपको एल स्केल की मदद से सबसे पहले ऊपर कपड़े को सीधा करने का एक मार्क करना है, इस तरीके से। इसके बाद में दोस्तों जो सामने में पट्टी बनेगी, अगर आप किनार रख रहे हो तो 2.5 इंच रखना है साथ में, अगर किनार कट करके रख रहे हो तो 2 इंच काफी रहेगा सामने की पट्टी बनाने में। तो दोस्तों इसको ऐसे सीधा कर लेना है। दोस्तों ये हर एक शर्ट में कंपलसरी है इस कपड़े को रखना। तो दोस्तों 27.5 शर्ट की लंबाई है, आपको 1 इंच प्लस करते हुए 28.5 पे मार्क करना है। तो दोस्तों इसका सीना है 32 इंच, 32 का 1/4 होता है 8 इंच। तो दोस्तों अगर 34 साइज से बड़ा साइज हो तो अपने 2 सूत कम करके आर्म होल रखते हैं, और जैसे जैसे बड़ा साइज हो जाता है अपने 1/2 इंच तक कम करते हैं। दोस्तों अगर 40 से 42 साइज हो तो अपने 9.5 इंच ही आर्म होल रखते हैं, जो कि तख्ती होती है, तख्ती से उसका जो स्लीव होती है वो पूरी कट हो जाती है, यानी कि उसकी जो स्लीव का राउंड होता है वो पूरा कट हो जाता है। अब दोस्तों इस मार्के से 7.5 इंच नीचे पेट के लिए मार्क करना है। अब दोस्तों इन मार्कों को सीधा करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से इन मार्कों को सीधा कर लेना है। इसके बाद में इसका जो शोल्डर है, तीरा है, वो 17 इंच का है, तो 17 का ½ होता है दोस्तों 8.5 इंच, और 3 सूत का आपको मार्जिन अलग से लेना है। दोस्तों शोल्डर डाउन करेंगे 1.5 इंच, नॉर्मल साइज की शर्ट है। अब दोस्तों इसका जो हॉलर रखेंगे वो दोस्तों 2.5 इंची इस साइड में और 2.5 इंची इस साइड में। दोस्तों अपने 14.5 को 5 से डिवाइड करके एकदम प्रॉपर हॉलर भी रख सकते हैं। दोस्तों शर्ट है इसमें शंटाई हो जाती है, इसलिए अपने प्रॉपर हॉलर नहीं रखते। तो दोस्तों 32 इंच यहाँ पे सीना है, 32 का 1/4 होता है 8 इंच, और इसके आगे नॉर्मल फिट शर्ट में 2 इंच छोड़ना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 30 इंच इसका पेट है, 30 का 1/4 होता है 7.5, और 2 इंच इसके आगे नॉर्मल फिट के लिए छोड़ना है। दोस्तों 33 इंच हिप है, तो 33 का 1/4 होता है 8 इंच, 2 सूत, और इसके आगे आपको 1.25 इंच की लूजिंग छोड़नी है, ठीक है दोस्तों, हिप से थोड़ा फिटिंग। अब दोस्तों शेप फट्टी से अपने इन मार्कों को ऐसे मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपको तख्ती के लिए मार्क करना है यहां से 1 इंच अंदर की साइड में, और इसको यहाँ पे ऐसे रख के मिला लेना है, और इसका ऐसे आर्म होल का राउंड करना है, ठीक है दोस्तों। और इसको अब यहाँ पे ऐसे शोल्डर डाउन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे 32 चेस्ट है, तो यहाँ पे मैं 32 लिख देता हूँ, 30 इंच इसका पेट है तो 30 इंच यहाँ पे लिख देता हूँ। अब दोस्तों ये नीचे से राउंड है, तो यहाँ पे अपने 2 इंच पे मार्क करेंगे, और इसको यहाँ पे ऐसे
10 इंच है तो यहाँ पे 5 इंच पे मार्क करेंगे और यहां से इसको ऐसे राउंड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, फ्रंट की मार्किंग हो चुकी है। बैक कट के लिए अपने यहाँ पे 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और दोस्तों एक यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और एक यहाँ पे भी 1.5 इंच का मार्क कर लेंगे यहां से। अब इसको यहाँ पे नापेंगे दोस्तों, ये 9.5 है तो अपने लगभग 10 इंच बैक के लिए कपड़ा खोल लेंगे। तो दोस्तों अब फ्रंट की कटिंग करेंगे, इसके बाद में बैक पीस की कटिंग करना बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रंट कट चुका है। दोस्तों एक बार फिर से आपको बता देता हूं, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहां से यहां तक ये 9.5 है, अपने 10 इंच बैक के लिए कपड़ा खोलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि राउंड फिगर अपने 10 इंच कपड़ा खोला होगा तो कोई टेंशन नहीं होगा कि कम हो जाएगा। अब दोस्तों बैक के लिए कैसे कपड़ा खोलना है, इसको ऐसे और यहाँ पे किनार को छोड़ते हुए आपको 10 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये 10 इंच कपड़ा हो चुका है। अब अपने ऊपर से एक सीधा मार्क करेंगे कपड़े को सीधा करने का। तो दोस्तों ऊपर से सीधा कर लेना है इस तरीके से, ये मार्क करके इसके बाद में दोस्तों फ्रंट पीस को इसके ऊपर रखना है। दोस्तों इस पॉइंट पे देखिए, इसको यहाँ पे मिलाना है इस मार्क पे। और दोस्तों यहाँ पे जो 1.5 इंच का मार्क किया था, 1.5 इंच को आगे ऐसे निकाल देना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये इस तरीके से अपना रख लेना है कपड़ा। दोस्तों 17 इंच का तीरा है, अब यहां से 17 इंच तीरा, 17 का हाफ होता है 8.5 और 3 सूत अलग से मार्जिन लेना है। और दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से 6 फट्टी को अंदर की साइड में रखते हुए मार्क करना है और ऐसे इसका राउंड कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से बैक पीस की मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। अब बैक पीस की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हल्की सी नोच लगानी है, इसके बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों बैक को 1/2 इंच कम करते हैं, तो 1/2 इंच इस तरीके से कम करते हुए कट कर लेना है। तो दोस्तों शर्ट का फ्रंट और बैक कट चुका है, अब स्लीव यानी कि बाजू और शोल्डर यानी कि तीरा बाकी रह गया है। तो अब दोस्तों पहले अपने इसकी बाजू यानी कि स्लीव कट कर लेते हैं, इसके बाद में आपको शोल्डर कट करना बताएंगे। दोस्तों 32 साइज की शर्ट है, इसको इस तरीके से डबल बाजू एक साथ कट जाती है। दोस्तों अगर छोटे साइज की शर्ट होती है तो ऐसे आसानी से कट जाते हैं दोनों स्लीव एक साथ। किनार से किनार मिला लिया है और डबल कर लिया है, इसको अब ऐसे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में सबसे पहले इसको एक कपड़े को सीधा करने का एक मार्क करेंगे ऐसे। इसके बाद में दोस्तों 3.5 इंच स्लीव की डाउनिंग लेंगे, यहाँ पे भी एक मार्क कर लेंगे ऐसे। अब दोस्तों स्लीव की लेंथ है 24 इंच, 1 इंच ऊपर निकाल देंगे, आप चाहे तो 1/2 इंच भी निकाल सकते हैं। इसके बाद में 24 इंच पे मार्क करेंगे, 9 इंची कफ है तो 9 इंची और आगे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से नॉर्मल फिट शर्ट अगर फिटिंग होती तो यहाँ पे 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखते। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सीने का 1/4 पे मार्क करना है, 32 सीना है तो यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे मिलाना है। दोस्तों 6 फट्टी का भी ध्यान रखिए, अगर फिटिंग की शर्ट हो तभी इसको ऐसे अंदर की साइड में लगाते हैं, अगर नॉर्मल फिट हो तो ऐसे बाहर की साइड की 6 फट्टी लगाते हैं। और इसको यहाँ पे करेंगे सीधा और यहाँ पे दोस्तों
ढाई इंच पे मार्क, और यहां से अपने इसका राउंड करेंगे ऐसे। ये दोस्तों बैक साइड का हो गया, और इस तरीके से फ्रंट साइड का कट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मार्किंग हो गई अपनी पूरी, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से स्लीव कट हो जाती है। अब इसमें बाजू पट्टी के लिए कट करेंगे। दोस्तों ये बैक साइड वाला है पीस, इसमें अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और लगभग यहाँ पे 1.25 इंच की दूरी बनाते हुए ऐसे क्रीज बना लेंगे इसमें। अब दो पीस में दोस्तों इसको 5.5 इंच तक कट कर लेना है। ये दोस्तों बाजू पट्टी एकदम सही आएगी, जब प्रेस करोगे तो बिल्कुल सही बैठेगी ये। तो दोस्तों यहाँ पे स्लीव की कटिंग हो चुकी है, अब अपने इसके शोल्डर की कटिंग यानी कि तीरे की कटिंग करनी है। वो कैसे करनी है अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो दोस्तों 32 साइज का है, इसमें अपने यहाँ पे 5 इंच चौड़ा कट करना है। तो यहाँ पे ये 5 इंच है, तो इसमें अब अपने कट कर लेंगे दोस्तों शोल्डर यानी कि तीरा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 5 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से, और दोस्तों 2.5 इंच ऐसे हालर रखना है, और दोस्तों 17 इंच तीरा है, 8.5 17 का हाफ और 1/2 इंच का मार्जिन यानी कि 9 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों 3.25 इंच ऐसे इसको चौड़ा रखना है। और दोस्तों इस मार्के से अब 2 सूत ऊपर बार की साइड में निकाल देंगे ऐसे, और इसको यहाँ पे मिला देंगे इस तरीके से। इस मार्के को यहाँ पे ऐसे सीधा करते हुए ऐसे लगा लेंगे और इसको ऐसे राउंड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से शोल्डर की मार्किंग करते हैं। यहां से देखिए दोस्तों ये 1.5 इंच डाउन हुआ। अब दोस्तों शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे शर्ट पूरी कंप्लीट कट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं और थोड़ी डिटेल में बता देता हूं कि कैसे अपनी शर्ट कट हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे ये शर्ट का फ्रंट और बैक है, और यहाँ पे जो इसका शोल्डर है इस तरीके से जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे स्लीव है इसकी इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको 32 चेस्ट की शर्ट कट करना बताया है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।